गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है विच गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो हमें अर्थपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करती है। एक बार रिपीट और करते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा विद्युत यंत्र है विच गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो हमें अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूजफुल, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। इनकी हिंदी के बारे में और जानते हैं। तो कॉमनली मीन्स क्या होता है? साधारण रूप से। ऑपरेटिव मीन्स चलाने वाला। एम फॉर मशीन यंत्र होता है। पी फॉर पार्टिकल विशेष रूप से। यू फॉर यूज फॉर प्रयोग करने के लिए। टी फॉर ट्रेड व्यापार के क्षेत्र में। ई फॉर एजुकेशन शिक्षा में। आर फॉर रिसर्च खोज करने में। तो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? व्यापार के रूप में, शिक्षा के रूप में और किसी भी खोजने में, रिसर्च करने में। जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनको भी रिसर्च करने में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब क्या होता है।